नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। दो बजे का बुलेटिन देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत खबर के साथ जो भोपाल से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। सीएम शिवराज के फैसले को उन्होंने युवाओं के लिए ऐतिहासिक बताया है। अब मध्य प्रदेश के बच्चों को भी मध्य प्रदेश में नौकरियां मिलेंगी। सीएम शिवराज सिंह के फैसले का उन्होंने स्वागत किया। शिवराज कैबिनेट के मंत्रियों को शिवराज कैबिनेट के मंत्रियों की तरफ से भी शुभकामनाएं इस मामले में आना शुरू हो गई हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान, सीएम शिवराज के फैसले को उन्होंने युवाओं के लिए ऐतिहासिक बताया है। मध्य प्रदेश के बच्चों को मध्य प्रदेश में ही नौकरियां मिलेंगी। प्रायोरिटी बेस पर मध्य प्रदेश के बच्चों को मध्य प्रदेश में नौकरियां दी जा सकेंगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान के फैसले का स्वागत किया है वीडी शर्मा ने और उन्होंने इसे ऐतिहासिक बताया है। सीएम शिवराज कैबिनेट के मंत्रियों ने सीएम शिवराज को भी शुभकामनाएं दी हैं। क्या कुछ कहा वीडी शर्मा ने, आप सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश में नौकरियां मध्य प्रदेश के बच्चे नौजवानों को ही मिलेंगी और मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। ये एक ऐतिहासिक फैसला है, इसका मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को और मध्य प्रदेश की सरकार को, पूरी कैबिनेट को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मध्य प्रदेश के नौजवानों में, बच्चों के, युवाओं के बीच एक अपार उत्साह है, इसलिए मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को और सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और इस खबर पर हमें और भी जानकारी देने के लिए आशीष मंगल सोनी विशेष संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। आशीष, वीडी शर्मा की तरफ से भी इस फैसले का स्वागत किया गया, इसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पारुल मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश का निवासी होगा युवा तो उसे ही शासकीय नौकरी मिलेगी, इसका स्वागत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया है और युवाओं के हित में इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। इससे मध्य प्रदेश के युवाओं को फायदा मिलेगा और ये एक ऐतिहासिक फैसला है। वीडी शर्मा का कहना है कि इस कानून की, इस प्रक्रिया की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी ताकि मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित रह सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशीष। मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर भी ये फैसला लिया गया और इस फैसले का सभी स्वागत भी कर रहे हैं। वीडी शर्मा साहब ने भी इसे ऐतिहासिक बताया है।